जरिए से सवाल पूछता हूं, क्या सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमान हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आज कांग्रेस के जो एटीट्यूड है, कांग्रेस के लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो इसीलिए है क्योंकि आज मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक की हैसियत से, क्या भी हो हमको तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है। लड़कियां अच्छे स्टूडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। कर्नाटक के अंदर एक अल्टरनेट सेकुलर पार्टी होना चाहिए, मुसलमान किसी सियासी जमात का महदूद नहीं होना चाहिए, मुसलमान मजबूर नहीं होना चाहिए। शहर के अंदर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स करे, चाहे वो उड़पी का मामला हो जहाँ पर हमारे बहनें, हमारे जो है लड़कियाँ अच्छे स्टूडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर के इस मीटिंग के अंदर जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटीज़ के लीडर्स उनके इस हिम्मत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी और डेढ़ साल जो ये हुकूमत का है यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जाने करने का काम होगा, और कांग्रेस के अंदर कोई दमखम नहीं है कि वो उनका मुकाबला करे, उनका मुँह तोड़ जवाब दे। इसीलिए जनता दल सेकुलर का एक माइनॉरिटी का जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो तालुके के हों, जिले के हों, वो भारतीय जनता पार्टी के इस नेगेटिव कैंपेन के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर तय पाया गया कि एक साल तीन महीने जो आज हुकूमत के खिलाफ हमको ऑर्गेनाइज करना है, और मुसलमानों को एक रियल प्लेटफॉर्म, सेकुलर प्लेटफॉर्म अगर कर्नाटका में अगर कोई है तो वो जनता दल सेकुलर है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इक्तदार के तरफ, हक की तरफ, तरक्की के तरफ, कम्युनल हारमोनी की तरफ अगर कोई पार्टी ले जा सकती है तो वो जनता दल सेकुलर है, और वो कुमार स्वामी की लीडरशिप है। कर्नाटका के तमाम सियासी फिक्र रखने वाले दानिशमंद मुसलमान आज कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क्या हैसियत है, क्या उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, किस तरह से उनको देखा जा रहा है, चाहे वो अब स्टेज के ऊपर से एक MLA को घसीट कर ढकला जा रहा है, एक माइनॉरिटी के यूथ लीडर, यूथ प्रेसिडेंट को गले में हाथ डाल करके ढकलने का काम हो रहा है। क्या आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके जरिए से सवाल पूछता हूँ, क्या सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमान हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मगर आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं वो तमाम लोग आज कर्नाटका के तमाम मुसलमान देख रहे हैं कि उनका रिस्पेक्ट क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आज जनता दल सेकुलर में हमारे सबसे बड़े लीडर को भी हम साफ बोल के नहीं बोलते, हम उसको अन्ना बोल के बोलते हैं, भाई बोल के बात करते हैं, ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर, हम चमचागिरी के माहौल में नहीं है, हम दबाव के अंदर नहीं है, हम जो है इस राज्य के अंदर कर्नाटक के अंदर एक अल्टरनेट सेकुलर पार्टी होना चाहिए, मुसलमान किसी सियासी जमात का महदूद नहीं होना चाहिए, मुसलमान मजबूर नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सेकुलर ऑप्शन अगर कोई है तो वो कुमार अन्ना की जनता दल सेकुलर है। इसीलिए हमको मजबूत करना है। आपके जरिए मैं अपील करता हूँ कि नौजवानों को खुसूसी तौर पर ये छोटी छोटी सियासी जमातें, केरला की जमात, हैदराबाद की जमात, कुछ आके यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकती। पिछले इलेक्शन में अलायंस हुआ था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ वो आप एनालिसिस कीजिए, मगर आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि हम जनता दल सेकुलर को मजबूत बनाने का काम हम लोग, और स्पेशली मुसलमान करने का। सर, कहीं ना कहीं बेंगलुरु के उलमा जनता दल से बहुत ही मैं वेलकम करता हूँ। बेंगलुरु के उलमा दीन का बयान मैंने देखा, मैं मुसलसिल तौर पर यही बात कहते आया हूँ कि मुसलमानों के सामने सियासी जमात मजबूरी नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के जो एटीट्यूड है, कांग्रेस के लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो इसीलिए है क्योंकि आज मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक की हैसियत से, क्या भी हो हमको तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है, इसकी वजह से आज कौम को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहाँ है कांग्रेस? जब NRC सीरवले का मामला आया, क्या उनके लीडरशिप ने स्टैंड लिया? वही कुमार अन्ना ने स्टैंड लिया, वही जो है सोशल एक्टिविस्ट ने स्टैंड लिया। आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की आवाज़ बनने से झिझकती है, मुसलमानों के लिए खड़े होने से झिझकती है, वो डरती इस बात से है कि पोलराइजेशन ना हो जाए, BJP उसका फायदा ना हो सके, मगर इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कर्नाटका के मुसलमानों से का हो रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारे मुस्लिम कौम के जो नौजवान हैं उनके दिलों में जो कांग्रेस के लिए जो मोहब्बत है ना,
उसका नुकसान हमें हो रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप सेकुलर नहीं है, कांग्रेस का लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ये उलमाए कराम ने जो बयान दिया है, मैं इन उलमाए कराम के इन बयान के साथ मैं तायिद करता हूँ, और ये बयान 5 महीने 6 महीने पहले से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ, आज उनके बात से निकली है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें होना चाहिए।